वहीं सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैंकों के विलय के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है। त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले बैंकों की इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। आने वाले 26 सितंबर के बाद लोगों को कैश की भारी समस्या से जूझना पड़ सकता है। अगर बैंक से जुड़ा आपका कोई काम हो तो उसे निपटा लें, क्योंकि इस महीने के आखिरी सप्ताह में बैंक 4 दिन लगातार बंद रहेंगे। से 25 सितंबर तक ही लोगों के पास बैंकों से कैश निकालने और जमा कराने का मौका है। इसके बाद एक सप्ताह तक कैश उपलब्ध नहीं होगा। दरअसल 26 और 27 सितंबर को मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सभी बैंक बंद रहेंगे। वहीं 28 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार होने से बैंक नहीं खुलेंगे, जबकि 29 सितंबर को रविवार की छुट्टी है। इस तरह लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 30 सितंबर को बैंक की हाफ ईयरली क्लोजिंग है। इस दिन बैंक खुलेंगे लेकिन कामकाज और नगद लेन देन नहीं होंगे। वहीं 1 अक्टूबर को बैंक से जुड़े कार्य तो होंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होने की वजह से बैंक में ताले लटके रहेंगे। यानी अब बैंक सीधे 3 अक्टूबर को ही खुलेंगे। लिहाजा लगातार 5 दिनों तक बैंक बंद होने से आम आदमी के साथ साथ कारोबारियों को दिक्कतें आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।